नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। साल के आखिर में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस की रणनीति दिन ब दिन अलग होती जा रही है। कभी कांग्रेस सरकार पर अटैक करती है तो कभी कांग्रेस सिंधिया के गढ़ चंबल संभाग में सेंधमारी का प्रयास करती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या आखिर कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति का कितना फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा, आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर। चर्चा को विस्तार देंगे लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कांग्रेस किसी भी सूरत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में आईना दिखाने की रणनीति बना रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में उन लोगों को प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है जिनका पारिवारिक रूप से सिंधिया परिवार से राजनीति में 36 का आंकड़ा है। इसी रणनीति के तहत ग्वालियर और दतिया जिले का प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को बनाया गया है। वहीं प्रभारी बनने के बाद अजय सिंह स्थानीय लोगों से संवाद करने के लिए 2 दिन के प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे। अजय सिंह और राहुल भैया ने कहा कि सिंधिया गलत फहमी में ना रहे कि उनके कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के दम पर बनी थी और इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि 2018 से अच्छे 2023 में परिणाम आएंगे। साथ ही अजय सिंह ने कहा कि उनका कहना था कि दूसरी पार्टी के कई बड़े चेहरे उनके संपर्क में हैं, जल्द ही सबके सामने आ जाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की किसी भी रणनीति का ग्वालियर चंबल अंचल में असर नहीं होने वाला है। कांग्रेस कई गुटों में बटी पार्टी है और बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। आम जनता सरकार की योजनाओं को दिमाग में रखकर ग्वालियर चंबल में इस बार जीत दिलाएगी। देखिए ऐसा है, सिंधिया जी तो आज तो गए नहीं, काफी दिन हो गए। अब नतीजा 6 महीने में पता ही चल जाएगा किसके चेहरे पर चुनाव होता है। अब 23 में पता चल जाएगा ना किसके चेहरे पर सीटें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के रीति नीति सिद्धांत और उसके आधार पर सीट मिलती है और नहीं मिलती है, ये साफ स्पष्ट है। किसी का चेहरा नहीं होता है। हालात ये हैं कि शादी के कार्ड किसी के नाम से छपते हैं और दूल्हा कोई बन जाता है, और कांग्रेस में बाद में जो होता है वो पूरा देश भी देखता है, वो मध्य प्रदेश भी देखता है। बहरहाल कांग्रेस की कोशिश है कि सिंधिया को गढ़ में खेर कर 2023 के रण में जीत का सहरा बंध सके। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की ये रणनीति आखिर कब और कैसे कितनी कारगर साबित होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ग्वालियर से विनोद शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। तो साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टी ने कमर कस ली है और जमीनी स्तर पर जाकर जनता से सीधा जुड़ रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में इसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में जुड़ सके। इस चर्चा में हम तमाम मेहमान जोड़ेंगे लेकिन उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं जहां ग्वालियर से हमारे सहयोगी विनोद शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। विनोद, ग्वालियर में जिस तरीके से अब सेंधमारी की खबरें सामने आ रही हैं, वोटों की सेंधमारी की शुरुआत हो चुकी है। एक अहम किरदार ग्वालियर चंबल अंचल संभालता है जब जब मध्य प्रदेश में चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, कोई से भी चुनाव हो, ग्वालियर अंचल संभाग एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अलग तरीके की रणनीति बनाई जा रही है ताकि सिंधिया जो कि कांग्रेस में हुआ करते थे अब वो बीजेपी में, और बीजेपी में एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगाते रहे हैं कि सिंधिया को वो जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं दी गई कांग्रेस में, जो जिस चीज की वो हकदार थे, अब बीजेपी में उन्हें मिलने लगी। इस बात से कहीं ना कहीं कांग्रेस में गलत चीजें भी सामने आ रही। आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय जी का ग्वालियर में दौरा था, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है और जमीनी स्तर पर क्या कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ग्वालियर चंबल अंचल वह इलाका है जहां से 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में प्रवेश किया और अब सिंधिया ने चारों तरफ जाकर जिस तरह से कैंपेन की थी और जो लगातार रैली और सभाएं की थी, उसे माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ग्वालियर चंबल अंचल में बम्पर उनको जो समर्थन है वो कांग्रेस को मिला था।
लेकिन ये भी सही है कि जब सरकार गई, कांग्रेस छोड़कर जब दूसरे सिंधिया बीजेपी पे पहुंचे, तो ग्वालियर चंबल अंचल की वजह से ही फिर दोबारा से बीजेपी सत्ता में काबिज हुई। अब चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा फोकस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का है, आज खुद जिस तरह से अजय भैया आए और उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस नेताओं की से बैठक ली, डबरा में पहुंचे, डबरा में कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के साथ बैठक ली, और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय भी यहाँ के जीवाईएमसी क्लब में, जो कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ भी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ उनकी बैठक है और रात्रि भोज उनके साथ करेंगे। तो एक रणनीति के तहत ग्वालियर चंबल संभाग में जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार आ रहे हैं, चाहे गोविंद सिंह हो या फिर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हो या फिर जिस तरह से जो अजय भाई आए हैं, उसके तहत ये माना जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग को एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस में सीटें जीती थी वो किसी के चेहरे से नहीं जीती थी, बल्कि कांग्रेस ने अपने स्तर पर जीती थी। अगर ऐसा होता तो जब उपचुनाव हुआ तो इमरती देवी क्यों हार गई, वो डबरा से थी, मुन्नालाल गोयल क्यों हार गए, वो ग्वालियर पूर्व से थे, और दोनों ही नेता जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे। तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा के चेहरे से अगर उनको वोट मिले तो फिर उपचुनाव में वो दोनों क्यों हार गए, और यही कारण है कि ग्वालियर में बड़ी संभावना तलाशी जा रही है कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस को जो स्थिति अभी ग्वालियर चंबल संभाग में लग रही है, उन्हें ये लग रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग से फिर वो 2023 में सत्ता में वापसी करेंगे, और ये वही इलाका है जहां पर वो सत्ता में काबिज होने के लिए अपनी रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर पूर्व उन्हें जिस तरह से जीती सतीश सिकरवार के नेतृत्व से, जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, इसके अलावा जो सुरेश राजे डबरा में उन्होंने जीत दिलाई, तो जो पारंपरिक जो सीट मानी जाती है हालांकि कांग्रेस की डबरा में, लेकिन ग्वालियर पूर्व में एक अच्छी जीत मिली थी जिससे उत्साहित हुई थी कांग्रेस। अब उनका जो कहना है कि भीतरवार चूंकि पहले से ही कांग्रेस के खाते में है, इसके अलावा चूंकि ग्वालियर दक्षिण कांग्रेस के खाते में है, ग्वालियर 15 जो कांग्रेस ने पहले जीती थी 2018 में, लेकिन उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस सीट से अपनी विजय दर्ज करी थी। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल फेरबदल करने के लिए मशहूर है, और यही कारण है कि कांग्रेस की नजर ग्वालियर चंबल अंचल पर ज्यादा है। बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है, यहाँ पर तमाम पार्टियों को जीत अगर हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल से होकर ही गुजरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब चर्चा का रुख करते हैं, और चर्चा में तमाम मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक बीजेपी से हैं शंकरलाल तिवारी जी, तिवारी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अनुराधा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनुराधा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पूर्व विधायक बीजेपी से शंकरलाल तिवारी जी से, ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता अनुराधा सिंह जी की ओर मैं बढ़ूंगा। मैं अनुराधा जी, जिस तरीके से अब आज अजय जी का दौरा था ग्वालियर में, और ग्वालियर में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनानी तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में वर्चस्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2018 का रिजल्ट हमने देखा, बीजेपी कह रही है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर अजय सिंह वहां पर दौरा भी करते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों, आपको ऋषभ जी और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। कांग्रेस पार्टी सदैव जनता से जुड़े मुद्दे उठाती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में ही कांग्रेस को मैंडेट दिया था, और अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए, 57 साल बाद ग्वालियर की कांग्रेस कैंडिडेट डॉक्टर शोभा सिकरवार जी ग्वालियर की महापौर हैं। कांग्रेस की सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। दूसरी चीज मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि देखिए, कांग्रेस जो करती है, जो कहती है, वो सदैव करती है, और जनता ने देखा परखा, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वास के पर्याय हैं। आज ही देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से राहत मिले विकास आधारित राजनीति करती है। उन्होंने कहा है कि 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ, इससे डायरेक्ट जनता को फायदा मिलेगा,
अब आप बताइए इससे दूसरी चीज, आप अभी आप जो बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, इस तरीके से सालाना उनको 18,000 रुपए की आमदनी होगी और मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, 7,000 रुपए की बचत होगी। अब आप 18,000 और 7,000 को जोड़ लीजिए, टोटल 25,000 रुपए की बचत महिलाओं को पहुंचेगी, राहत होगी। ये कितनी बड़ी है, आप देखिए आज महंगाई चरम पर है तो महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा पर और अपने जो दैनिक जरूरी कार्य हैं, जो महिलाएं जो अपनी छोटी बचत करती हैं, जो उनके घर के कार्य आती है, हम सब ने देखा है, परखा है कि किस तरीके से जब नोटबंदी हुई तो महिलाएं कितनी प्रभावित हुई, तो महिलाओं को राहत देने का कार्य किया करा जाएगा कांग्रेस की सरकार बनने पर। और कांग्रेस में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहा है कमलनाथ जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। अब मैं आपसे कहती हूँ, ठीक है अनुराधा जी, अनुराधा जी, ये तो योजनाओं की बात हो गई। मुख्यमंत्री जी 18 साल से काबिज हैं, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है आज, आप देखिए सिर्फ घोषणाओं पे घोषणाएं, घोषणाओं पे घोषणाएं। तो आज तो मध्य प्रदेश को नंबर वन स्टेट होना चाहिए था, और आप देखिए, ठीक है अनुराधा जी, चलिए ये तो योजनाओं की बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर आती है सरकार में तो ये तमाम योजनाएं दी जाएंगी। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ग्वालियर चंबल अंचल में क्या वाकई में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है? आप सिंधिया कांग्रेस में नहीं रहे, बीजेपी में आ गए, तो कहीं ना कहीं जनता में भी भ्रम की स्थिति हो सकती है कि आखिर वोट देना किसको है। तो अब ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी बड़े नेताओं को कांग्रेस की तरफ से ग्वालियर के लिए दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये डर भी है कि ग्वालियर में जीतेंगे नहीं जीतेंगे। देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने, और आप ग्वालियर की बात कर रहे हैं, तो 2018 में ही कांग्रेस को जनादेश दिया था, कांग्रेस को मैंडेट दिया था। और जैसा मैं आपको बता रही हूं कि अभी हाल ही में साल भर पूर्व नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें 57 साल बाद कांग्रेस की मेयर कैंडिडेट डॉक्टर शोभा सिकरवार जी विजयी हुई हैं, और बड़ी संख्या में कांग्रेस के पार्षदगण विजयी हुए हैं। ये क्या दर्शाता है? कांग्रेस सदैव जनता से जुड़े मुद्दे उठाती है, विकास आधारित राजनीति करती है, और उसी का परिणाम है। मैं एक जरूरी सवाल आपसे ले रहा हूं कि अनुराधा जी, अनुराधा जी के नेतृत्व में एक जरूरी सवाल सरकार बनाने जा रही है मध्य प्रदेश। अनुराधा जी, ये जो आपने बात की इस पर मैं सवाल लेना चाह रहा हूं। बीजेपी के तमाम लोग और सिंधिया समर्थक लोग भी कह रहे हैं कि 2018 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो सिंधिया जी के दम पर बनी थी, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना मानती हैं आप? मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप आंकड़े देखिए, कि अगर आप ग्वालियर की अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो उपचुनाव पे आ जाइए, जिसमें आपकी डबरा विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती। ग्वालियर जो पूर्व की आप देखिए सीट, जो डॉक्टर सतीश सिकरवार जी विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, दोनों कांग्रेस के विधायक हैं, राजे जी, आदरणीय राजे जी कांग्रेस के विधायक हैं डबरा से, और डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी भी कांग्रेस के विधायक हैं ग्वालियर पूर्व से। और मैं पुनः आपको स्मरण करा दूं कि अभी हाल साल भर भी नहीं बीता है, ग्वालियर की जनता कांग्रेस में अटूट विश्वास व्यक्त करती है, कमलनाथ जी विश्वास का पर्याय है, कांग्रेस की नीति को देखा है, जो कांग्रेस कहती है वो कांग्रेस ने किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसी का परिणाम है कि देखिए मध्य प्रदेश की जनता दौरा था ग्वालियर में, और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया के वोटों पर सेंधमारी के लिए कांग्रेस उन नेताओं को जमीनी स्तर पर उतार रही है जो पारिवारिक विरोधी रहे हैं सिंधिया परिवार के, इसका कोई असर? कांग्रेस की दाव पेच वो अजमाती रही है, और आज नहीं, जब हम लोग राजनीति शुरू किए तो उस जमाने में भी सुचिता कृपलानी और आचार कृपलानी बड़े नाम है देश के, इन दोनों को लड़ा दिया था कांग्रेस ने चुनाव के मैदान में। तो ये सब होता रहता है, रीवा में भी कई बार इस तरह के वातावरण बने हैं चुनाव में,
ये बड़ी बात नहीं है राजनीतिज्ञों के लिए और पार्टियों के लिए, विशेषकर कांग्रेस तो ये करती रही। अब रह गई बात ये कि अभी मेरे सामने कांग्रेस की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, आप पूछ रही हैं 18 साल में क्या किया। अरे 18 साल में आप समझिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत है सिंचाई, जो पूरे 50-55 साल में उस पर ध्यान नहीं दे पाए लोग। और कुल जब हम 2003 में खुद विधायक हुए तो उस समय जो गवर्नमेंट की सिंचाई का रकबा था प्रदेश के अंदर 3 लाख हेक्टेयर का था। आज आप सबके आशीर्वाद से और इसी सरकार की मेहनत से वो 60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई कर रहे हैं हम। किसान की सबसे बड़ी जरूरत पानी है और उसको इस सरकार ने पूर्ति किया। 18-18 साल कोई काम करे और आपको उसका एक काम भी अच्छा न लगे, ये तो ताज्जुब की बात है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कदर थी, आज वो फिगर लेके मैं नहीं बैठा हूं, पर उसके कारण बहुत चिंताजनक स्थिति थी। उसके लिए जननी पुष्ट योजना मध्य प्रदेश में भाजपा ने चला, फिर अन्य प्रदेशों में भी चली, और आज भी मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। आप देख लीजिए, प्रतिशत उठा के फिर कहिए तिवारी साहब अच्छी होना चाहिए, तिवारी साहब नहीं आप फिर कहिए सरकार ने इतना अच्छा काम आप कर दिया। तो आधा सेकंड भाई साहब, आधा सेकंड सिर्फ, अभी मेरी बहन कह रही थी 27 लाख का कर्जा माफ किया किसानों, बार बार कहते हैं सभी मित्र मेरे कांग्रेस के कहते हैं, और विधानसभा में मंत्री ने भी कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सवाल ये है कि 2 लाख वालों को के लिए क्या जवाब है, हमारी सरकार नहीं रही। अरे भैया आपने कहा था 10 दिन में माफ करेंगे, 2 लाख रुपए देंगे, अभी लाडली बहना में इसी तरह की सी गुफेबाजी, न सरकार आनी है, न 9 मन तेल होना है, न राधा नाचनी है, हम 1500 देंगे। और इस नाते इस सरकार ने काम किया है 2003 से 8 तक, तब 2013 में चुन के आई है, फिर 13 से लेकर के 5 वर्ष काम किया है, फिर चुन के आई है, और इस नाते बिना काम के चुन के नहीं आए। दिग्विजय सिंह का रिजल्ट नहीं, नहीं दिग्विजय सिंह जी का रिजल्ट 2003 का उठा लीजिए, 35 विधायक बचे थे, बीजेपी पार्टी ने सरकार में इतना अच्छा काम किया, 2018 में सत्ता परिवर्तन क्यों हो गया फिर? मेरा सवाल इसलिए, मेरा सवाल इसलिए तिवारी साहब, मेरा सवाल ये वाला इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के तमाम लोग अब ये कह रहे हैं कि सिंधिया बीजेपी पार्टी इस भ्रम में ना रहे कि 2018 का चुनाव सिंधिया की वजह से जीते थे, कांग्रेस जीती थी अपने दम पर। आप किसी भी सूत्र में बात करिए, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, इसलिए उसमें बड़े नेता है हमारे मनोहर सिंधिया जी, और इसलिए आप अगर कह रहे हो तो उससे तो हमारा लाभ होना चाहिए ना। आप देखिए खुली आंखों से जरा, अगर अपने किसी चश्मे से देखिए, ठीक है तिवारी साहब, अगर कांग्रेस के पास आज वो कांग्रेस तिवारी साहब वापस से आऊंगा। आशीष जी, ये जो अब वोटों की सेंधमारी का सिलसिला चल पड़ा है, साल के अंत में विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव या कोई सी भी चुनाव अगर देखें पूरे भारत देश में तो चुनाव कम और युद्ध स्तर के लेवल के चुनाव ज्यादा लगते हैं। चुनाव का पैटर्न आजकल चेंज हो गया है, चुनाव का तरीका, चुनाव का लड़ने का तरीका और राजनीतिक समीकरण आजकल बदलने लगे हैं। अब जो खबरें सामने आ रही हैं ग्वालियर चंबल अंचल में वोटों की सेंधमारी की, और वोटों की सेंधमारी इसलिए ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी का गढ़ ना कहा जाए तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव तो ग्वालियर चंबल अंचल में है ही। अब ऐसे में उनके वोटों की सेंधमारी कांग्रेस ने शुरू की, बड़े नेता उतार रहे हैं, और वो नेता उतार रहे हैं जो पारिवारिक तौर पर सिंधिया विरोधी रहे या सिंधिया परिवार के विरोधी रहे। ऐसे में जनता के बीच में कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति हो सकती है कि वोट किसे देना है, बीजेपी को कांग्रेस को। नहीं देखिए, जनता तो बहुत मुझे लगता है हमेशा स्पष्ट रही है, और जनता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं आती है। ग्वालियर में भी कई बार ऐसे रिजल्ट आए हैं जो ये साबित करते हैं कि वहाँ कोई एक मानसिकता ही अकेली काम नहीं करती। देखिए वहाँ पर ये अनुराधा भी बता सकती हैं, कई बार जो है गैर जो सिंधिया का जो जिसको महल विरोधी कहते हैं वो लोग भी चुनाव जीते हैं। तो इस तरह का गढ़ ये नहीं है वो उसकी जो मानसिकता, हम सिर्फ ग्वालियर के आसपास के रीजन की डिवीज़न की बात करें तो, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता तो ग्वालियर का जो मेयर का इलेक्शन है
वो बीजेपी नहीं हारती, मेयर का इलेक्शन बड़ा होता है, वो सारी सीटों को प्रभावित करता है, तो उससे जनता का एक माइंडसेट समझ में आता है कि जनता क्या चाहती है। दूसरी बात यह है कि ग्वालियर चंबल का जो पूरा इलाका है वहाँ की 34 में से 28 करीब सीटें कांग्रेस ने जीती थी 2018 में, तो एक अपर हैंड कांग्रेस का है। ये अलग बात है कि कुछ विधायक वहाँ से चले गए, इस्तीफा दे दिया फलाना, लेकिन इन सबके बावजूद भी जब ग्वालियर का मेयर इलेक्शन कांग्रेस जीती तो ये चीज़ अपने आप सिद्ध होती है कि ग्वालियर में अभी भाजपा को मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात यह है कि अभी जो बात हो रही थी, हमारा जो फोकस है कि ग्वालियर में कांग्रेस को लगता है कि जनता के पास वही माइंडसेट अभी भी है मेयर इलेक्शन वाला या 2018 वाला, बीच का छोड़ दिया जाए, तो वो कांग्रेस को वोट करेगी, लेकिन क्यों वोट करेगी ये कांग्रेस के लोगों को अभी बताना होगा, स्पष्ट करना होगा कि वो उसे क्यों वोट करेगी। अब दो ढाई साल बाद मेयर इलेक्शन के बाद, क्योंकि देखिए लोकल पॉलिटिक्स के कुछ मुद्दे अलग होते हैं, फिर विधानसभा का जब चुनाव होता है तो कुछ मुद्दे और जो जनादेश देने का तरीका होता है वो अलग होता है, लोकसभा चुनाव में अलग होता है। आजकल ये साफ नजर आता है कि हर उसमें अलग तरीके से वोट किया जाता है, तो इसलिए कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों जीतेगी। और दूसरी बात, भाजपा को भी ये सोचना होगा कि भाजपा भले काम कर रही है, बहुत सारे दिग्गज वहाँ भाजपा के हैं, नरेंद्र तोमर हैं, खुद नरोत्तम मिश्रा भी वहाँ को प्रभावित करते हैं, और बहुत सारे सिंधिया तो हैं ही, बहुत सारे नेता, लेकिन देखिए जो योजनाएं हैं सारी योजनाएं, उसके बावजूद भी जो 2018 का परिणाम है चुनाव का, वो भाजपा का पीछा करेगा इस चुनाव में भी। ये भाजपा को इस मामले में थोड़ा सतर्क होकर अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। उसकी जो योजनाओं का उल्लेख अभी हो रहा था वो प्रदेश भर की योजनाएं, उन योजनाओं से स्पेसिफिक ग्वालियर को क्या फायदा हुआ है ये भाजपा को वहां समझाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सारी स्थितियां पक्ष में हो पाएंगी। तो भाजपा को अपने कामों को वहां पे बहुत अच्छे से इलाबोरेट करना होगा, और कांग्रेस को बताना होगा कि उसे लोग वोट क्यों दें। तो ये बहुत बड़ा गणित है। अब अजय सिंह की जो बात है कि वहां भेजे गए हैं, तो ये जाहिर बात है कि जो सिंधिया विरोधी होगा वही उनके क्षेत्र में जाएगा, उन जो उनका पुराना समर्थक रहा वो नहीं जा सकता। तो अजय सिंह को वहां भेजा गया है इसलिए कि वो जो ग्वालियर चंबल का जो पूरा इलाका है उसमें उनका जो भी उनका नेटवर्क होगा, उस तरह के जो वोट होंगे वो उनको एक जाई कर सके। और कांग्रेस ने ये प्रभारियों की नियुक्ति करी है पिछले महीने, हर जगह अलग अलग, तो अजय सिंह उस जगह के प्रभारी बनाए गए हैं, और वहाँ के कुछ नेता जो हैं ग्वालियर वगैरह के दूसरे इलाकों में प्रभारी हैं। तो चुनाव पहले का मैनेजमेंट है, ताकि कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ताकि एक वहाँ से राय इकट्ठा करके और आगे की अपनी रणनीति या प्रत्याशियों के लिए बात कर सके। लेकिन अजय सिंह ऐसे नहीं है कि वो वहाँ पे वोट दिला पाएंगे, वो कांग्रेस के संगठन के काम और वहाँ का जो एक तरह का ऑब्जर्वेशन है वो करने के लिए गए पार्टी की तरफ से। तो वहाँ के जो लोकल नेता हैं उनको इस अपनी जो उनका जो वो है पक्ष जो है उसको ज्यादा प्रबलता से रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर के चुनाव हमेशा एक जैसे नहीं नतीजे देते हैं। ठीक है दुबे साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। अनुराधा जी, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं सवाल रखूंगा आपके सामने। 18 सालों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कुशासन है, मैं आपको बताना चाहूंगी। आप देखें आज आशा उषा कार्यकर्ता क्यों धरने पर बैठती हैं, मैं प्रश्न पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर्स क्यों धरने पर बैठते हैं, क्यों किसान बेहाल है, बताएं मध्य प्रदेश की जनता को आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश के श्रम पोर्टल पर 1,21,00,000 बेरोजगार क्यों है आज? ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। आपने, भारतीय जनता पार्टी ने 6 इन्वेस्टर्स समिट किए और कितना इन्वेस्टमेंट आया बताएं मध्य प्रदेश की जनता को। घोषणाओं पे घोषणाएं, घोषणाओं पे घोषणाएं, अरे उनका जमीनी क्रियान्वयन क्या है ये तो बताइए जरा। ठीक है अनुराधा जी, लेकिन आप धरना प्रदर्शन की बात कर रही थी, वो तो हर कांग्रेस हर पार्टी की सरकार में होता ही, वो तो लंबे वक्त से चला आ रहा है। अनुराधा जी जी, धरने प्रदर्शन की आप बात कर रही थी, रैलियों की आप बात कर रही थी, ये तो लंबे वक्त से चला आ रहा है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, प्रदर्शन तो होता ही, धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन तो होता ही। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के शासन में आप देखिए जनता त्रस्त है आज। लेकिन अनुराधा जी, अनुराधा जी, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि लंबे वक्त से जनता बीजेपी पार्टी को, शिवराज सरकार को समर्थन देती आई है, तब तो लंबे वक्त तक बीजेपी मध्य प्रदेश में शासन कर रही है। मैं आपसे वही उसी बात का तो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आज हर वर्ग बेहाल है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, आप लोग स्वयं कवर करते हैं। अभी थोड़े देर पूर्व की घटना है, आप बताइए डॉक्टर्स क्यों गए,
क्यों धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनको, आप बताइए क्या उनको एड्रेस नहीं करना चाहिए उनके इश्यूज को? मैं पूछ रही हूं सरकार को, क्या एड्रेस इतनी इतनी असंवेदनशील सरकार को होना चाहिए? अभी थोड़े दिन पूर्व की घटना है, महिला एक एक छोटा सा मासूम बालक अपने छोटे भाई के शव को लेकर जिला अस्पताल के बाहर बैठा रहा एम्बुलेंस। समय की बाध्यता अनुराधा जी, ठीक है, मैं आपसे ये कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है उससे मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता त्रस्त, मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया है। जल्दी से 20 सेकंड का समय है, आप देखिए अपनी बात रखिए, विधानसभा चुनाव समय की बाध्यता है, ठीक है अनुराधा जी। तिवारी साहब 20 सेकंड का समय है, अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मध्य प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है, इसलिए अब इस बार कांग्रेस की बारी। मेरे को इस डिबेट में समझ में नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट में तो कोई बात आ नहीं रही है प्रतिपक्ष से, पर इसके बावजूद भी अरे आप अपना लेखा जोखा बताइए ना, 18 सालों में आपने मध्य प्रदेश की जनता को आप बताइए कितनी त्रस्त है, क्या आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन है, क्यों खराब कर रही है, इससे कोई लाभ आपका नहीं होना। जवाब सुनिए, मैंने बताया कि 3,00,000 से 60,00,000 हेक्टेयर की सिंचाई, किसान को पानी की जरूरत है, हमने बिजली को तिवारी साहब अनुराधा जी बिजली हमने पर्याप्त किया, लाडली बहन आपने अभी नकल किया, हमने लाडली बिटिया पहले बना दिया, आज से आज वो लड़कियां 16 साल की हो रही, उनको लाभ मिल रहा पढ़ाई लिखाई। आज आपको आप चलिए ठीक है तिवारी साहब, लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि जितनी भी योजनाएं बीजेपी सरकार में लागू हुई है उसका असर ग्वालियर चंबल अंचल में और वहां की जनता को कितना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर लाल तिवारी जी बीजेपी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस से अनुराधा सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे जिस तरीके से अब ग्वालियर चंबल अंचल में वोटों की सेंधमारी के लिए दोनों ही पार्टियां जमीनी स्तर पर उतरकर जनता को प्रभावित कर रही, सीधा उनसे बात कर रही। देखने वाली बात यह है कि इसका असर विधानसभा चुनाव में कितना होता है। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।